छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं जहां पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन छह देशों और विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। Thank you.
विभागी कृपया अपने समय का ध्यान रखें, आपके लिए अलार्म रखा गया है जिसे वर्कर्स कंट्रोल करना है। जोरदार तालियां गुजरात से आई हुई ये टीम राघवा नृत्य की प्रस्तुति यहाँ के बीच ये दे रही है। गुजरात जिसमें हम आमतौर पर गरबा के लिए विशेष रूप से उसे प्रसिद्धि मिली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जनजातीय लोग इतना सुंदर और मनोहर नृत्य प्रस्तुत करते हैं। गुजरात से ये प्रस्तुति थी राघवा नृत्य के रूप में और बहुत ही सुंदर और मनमोहक प्रस्तुति यहाँ पर इस दल ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसके बाद आपके पास मध्य प्रदेश से भड़म नृत्य के साथ टीम जो है दल तैयार है, वो आपके बीच में प्रस्तुति देंगे। भड़म मध्य प्रदेश के भारिया आदिवासियों का एक प्रमुख नृत्य है। भारिया जूदो छिंदवाड़ा बैतूल होशंगाबाद आदि जिलों में निवास करते हैं, किंतु समीपवर्ती स्थान कामिया के भूतल से 500 मीटर नीचे पातालकोट में निवासरत भारिया लोगों का जीवन अत्यधिक विशेषता लिए हुए है। भारिया लोगों के परंपरागत नृत्यों में भड़म, तेला, करमा, सुआ, अहिराई आदि शामिल है। भड़म नृत्य को गुन्नू शाही, भड़नी, भड़नई, भड़नोटी नाम से भी जाना जाता है और विवाह के अवसर पर विशेष रूप से किया जाने वाला यह नृत्य है। तो मध्य प्रदेश की टीम आपके सामने प्रस्तुत करेगी भड़म नृत्य की शैली और एक कैटेगरी में ये प्रस्तुति होगी। फर्स्ट कैटेगरी ए यानी कि विवाह एवं अन्य उपलक्ष पर जो प्रस्तुति दी जाती है आदिवासी समुदाय के द्वारा, मध्य प्रदेश से आई हुई यह टीम आपके सामने प्रस्तुति देगी भड़म नृत्य शैली में। और धीरे धीरे संध्या होने के साथ ही ठंड भी बढ़े लगे हैं। जोरदार ताली के साथ हम छत्तीसगढ़ी भाई बंधुमन सज्जन अगवानी करिए और अभिनंदन करिए हमारे मेहमान कलाकार मन से।
प्रस्तुति आपने मध्य प्रदेश से भरम नृत्य के साथ ये टीम आपके साथ ही, और अब मध्य प्रदेश से ही लहकी कर्मा इस प्रस्तुति के साथ में टीम आपके साथ आ रही है, जो कि नृत्य दल है और अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसका शीर्षक है लहकी कर्मा। इस शैली को कहा जाता है के बीच में मध्य प्रदेश से आई हुई जो टीम है वो देगी। कर्मा अलग अलग तरीकों के का नृत्य शैली है, जो कि विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में, झारखंड में और हमारे सीमावर्ती जो प्रदेश है वहाँ आयोजित की जाती है। और एक खास तरीके की शैली में एक अनुष्ठान से जोड़कर भी इसे देखा जा सकता है, और हमेशा अपने पारंपरिक अनुष्ठानों में इस शैली के साथ हमारे आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं वो अपनी प्रस्तुति देते हैं और हर्षोल्लास के साथ उसका आनंद मनाते हैं। पश्चिम बंगाल से भी टीम हमारे बीच है, जो कि तैयार रहेगी। Thank you.
मंत्री माननीय श्री अमरजीत भगत जी पधार चुके हैं। हम विभाग डहर ले और जम्मू कलाकार मन डहर ले आप मन के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करत हैं। और एक बार अगला प्रस्तुति लेके हमारे बीच में ये मंच में पहुंचा थे पश्चिम बंगाल के आए हुए एक विशेष टीम और ये जिन नृत्य शैली ला प्रस्तुत करी ओकर नाम संथाली होते। संथाली के जानकारी थोक दिन हमारे सबो दर्शक मन पर आप मन पर संथाल भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियों में से एक है और संथाल लोग झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा और असम राज्य में निवास करते हैं जिनकी जनसंख्या करीब 70 लाख आंकी जाती है। वे स्थायी रूप से कृषि करते हैं। संथाल संस्कृति में अनेक सृजनात्मक और प्रस्तुतिकारी कलाएं उनके साथ प्रचलित है और जिनमें नृत्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस जनजाति के लोग पश्चिम बंगाल से आकर हमारे बीच हैं और अब्बर बेरा हो गए हैं। अनुराधा जी हमारे सब दर्शक मन ताली वाली नहीं बजाते, मोला लगा था कि धीरे धीरे जैसे संध्या होते कहा जाड़ बढ़े लगते तो हाथ ना सब जन अपन पॉकेट और शीशा गूंज के रख लेते इसके लगते मोला भरपूर दर्शक मन सामने नजर आते और लगा थे जमो दर्शक मन ला देख के बहुत उत्साह के साथ आनंद के साथ वो कार्यक्रम ला देख रहे पश्चिम बंगाल से संथाली नृत्य आप सभी के सामने।